नमस्ते, मैं श्रीमती सरोज डहले, एनएम खेड़ी की। मेरा नाम छाया पटेल है। नहीं बेटे, नहीं नहीं दीदी, योटी को कहाँ को लगाए नहीं, कौन सी दवाई पहली। छाया भाभी, आपका बच्चा 9 माह का हो गया है, इसलिए आज उसको मिजल्स का यानी खसरे का टीका लगाया गया है और विटामिन ए की दवाई पिलाई गई। इससे खसरे से होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए बच्चे को मिजल्स का टीका लगाया जाता है और साथ में विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है। खसरो काई हो? खसरा एक संक्रामक और गंभीर बीमारी है। हाँ। और ये एक वायरस के द्वारा फैलती है। जी, एका काई लक्षण छे? खसरे में बच्चे को बुखार आता है, बुखार के साथ शरीर में दाने आ जाते हैं, खांसी आती है, नाक में पानी बहने लगता है, नाक से आंखें लाल हो जाती है। हाँ। और इससे ज्यादा बच्चे का बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ। खाना पीना अच्छे से नहीं खाता, इसके कारण बच्चे का वजन भी कम हो जाता है। हाँ। और ज्यादा इसका लक्षण हो तो निमोनिया, साथ में दस्त भी होने लगता है। इस सब बीमारियों और इसके कारण कभी कभी बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचाने के लिए में खसरे का टीका लगाया जाता है, साथ में विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है। जी, यह टीका कब लगाया जाए? यह टीका बच्चे को 9 माह की उम्र में लगाया जाता है और इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है, साथ में विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है। जी, यह टीका छुट्टी जाए ना नहीं लगाए तो? भाभी, खसरे का टीका लगाना बहुत जरूरी है, साथ में विटामिन ए की दवाई पिलाना जरूरी है। इससे खसरे का संक्रमण बढ़ने का और बच्चे की मृत्यु होने का खतरा हो जाता है, इसलिए जरूरी है खसरे का टीका लगाना। जी, ये टीका कितना कुछ है? छाया भाभी, ये टीका किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण आहार दिवस के दिन आंगनबाड़ी केंद्र में निःशुल्क और फ्री में लगाया जाता है। अपनावड़ा वाला बिंदु। बोदरी माता, छोटी माता या चेचक की बीमारी ख खसरा का हांच। खसरा को टीको बाड़क न ख खसरा से ही होना वाले मृत्यु का खतरा से बचावज। 9 महीना की उम्र में बाड़क ख खसरा को टीको लगज। खसरा का टीका का साथ बाड़क ख विटामिन ए की दवा प्याड़ज। इनो टीको सभी सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र न आंगनवाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण आहार दिवस पर मुफ्त में लगज।